इंडिविजिबल। आप या तो आइटम को एंटर करें बैग में या नहीं करें, ठीक है। एंड द जीरो वन नैपसैक इज द पार्ट ऑफ द डायनेमिक प्रोग्रामिंग, बट द फ्रैक्शनल नैपसैक इज समथिंग एल्स। फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम सेट, यू कैन डिवाइड द आइटम, जबकि यहाँ इंडिविजिबल लिखा है, यहाँ डिविजिबल। या तो मैं अपना लंच बॉक्स पूरा रखूँ 10 kg का, बट अगर कैपेसिटी 5 kg है तो मैं नहीं रख रही, जबकि फ्रैक्शनल कहता है कि आप हाफ करके 5 kg का रख सकते हो, ठीक है। यू कैन टेक एनी फ्रैक्शन ऑफ एन आइटम, आप आइटम का फ्रैक्शन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, हाफ कर सकते हो, एंड दिस इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग ग्रीडी एल्गोरिथम। तो चेक कीजिएगा किस तरीके से मैं आपको 01 नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करना बताऊंगी विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, एंड देन आई विल टीच यू हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रैक्शनल नैपसैक विद द हेल्प ऑफ ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ये बैग है, बैग में 7 kg की जगह है, लेकिन ये जो आइटम्स हैं, किसी आइटम का वेट 1 kg है, किसी आइटम का वेट 2 kg है, किसी का वेट 3 kg है, किसी का वेट 4 kg है, लेकिन आइटम हमें सारे एंटर करने हैं। अब वो किस तरीके से एंटर होंगे, कैसे नहीं होंगे, तो उसका पूरा एक फिनोमेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल नैपसैक, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 01 नैपसैक। रेडी हैं आप सारे? अच्छा अशीर, जो मैंने टाइम अज्यूम किया था इन द स्केजुलिंग एल्गोरिथम, वो मैंने खुद से अज्यूम किया था कि भाई इस जॉब को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा, वैसे ही अज्यूम किया था। इफ यू डोंट वांट टू राइट यू कैन, आप ना लिखें, ठीक है। तो स्टार्ट करें फ्रैक्शनल नैपसैक। ओके, अब देखिए फ्रैक्शनल नैपसैक को स्टार्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे फ्रैक्शनल नैपसैक का आपको एक एल्गोरिथम बताऊंगी जिसको मैं फॉलो करूंगी, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं फ्रैक्शनल नैपसैक। क्या हम फ्रैक्शनल नैपसैक में आइटम को तोड़ सकते हैं, आधा आइटम डाल सकते हैं, बताइए अशीर, फयाज, पुनीत, फाहद, क्या हम आइटम को हाफ करके फ्रैक्शन करके डाल सकते हैं, डिवाइड करके फ्रैक्शनल नैपसैक में? यस, ठीक है, हम डाल सकते हैं। ओके, अब देखिए फ्रैक्शनल नैपसैक को समझाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक प्रॉब्लम एज्यूम करी, अंडरस्टैंड कीजिएगा वो प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे एज्यूम करते हैं, ठीक है। डेटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम में आई हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आइटम के हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड देन द ऑब्जेक्ट 3। हर ऑब्जेक्ट का वी हैव इंडिविजुअल वेट, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट नंबर 1 का जो वेट है मेरे पास वो 18 है, और उसका प्रॉफिट क्या है 25 है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट, और यहाँ पे लिख लेते हैं वेट, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 की बात करें तो ऑब्जेक्ट 2 में अगेन वी हैव अ पर्टिकुलर प्रॉफिट जो कि 24 अज्यूम करते हैं, और यहाँ पे है 15 उसका वेट। ऑब्जेक्ट 3 की बात करते हैं, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे है 10। तो ये प्रॉब्लम जो कि आपके सामने है, 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वेट आपको पता चल गया है। अब मैंने आपसे कहा कि फ्रैक्शनल नैपसैक है, यू हैव टू फॉलो द अप्रोच ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम, ओके, आपने ग्रीडी एल्गोरिथम की अप्रोच फॉलो करनी है। इसके साथ साथ अब मैंने आपको यहाँ पे गाइड कर दिया है कि बैग की जो कैपेसिटी है, बैग में आप कितना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, 20। मैंने कहा है बैग की जो कैपेसिटी है उसको मैंने एम से डिनोट किया है यहाँ पर, और कैपेसिटी कितनी है, 20। यू कॉन्ट एंटर द ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड द 20 उसका वेट, ठीक है, 20 से ज्यादा एंटर नहीं हो सकता, 20 तक ही आपने एंटर करना है जी। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है, जो पूछ रहा है क्वेश्चन, अगर आप टाइप कर लेंगे तो इट विल बी गुड, ठीक है, आप लोग की जो भी क्वेश्चन है अगर आप टाइप कर देंगे चैट पर तो आई विल आंसर। वेल नाउ अगेन अजम्पशन इज दैट, मैंने यहाँ पर
सपोज किया, अजम्पशन देखिएगा, अभी मैं आपको इसका परफेक्ट सोल्यूशन नहीं बता रही, मैं अजम्पशन दे रही हूँ आपको। अगर मैं ग्रीडी अप्रोच लगाती हूँ, ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ग्रीडी अप्रोच लगानी है, अगर ग्रीडी अप्रोच मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ अबाउट प्रॉफिट, ग्रीडी रहे कैसे भी हो सकता है, आप ग्रीडी प्रॉफिट को देख के भी कर सकते हैं और ग्रीडीनेस आप वेट को देख के भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे ग्रीडीनेस जो दिखाई है वो प्रॉफिट को देख के दिखाई है। स्टे विथ मी, जब मैंने कहा कि यहाँ पे आप प्रॉफिट को एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका बॉक्स कुछ ऐसा होगा। ये आपका बॉक्स था, ये आपका बैग था, ठीक है। इस बैग में गौर कीजिएगा, इस बैग में हाई प्रॉफिट जो था, ऑब्वियसली यू आर चेकिंग द प्रॉफिट, तो हाई प्रॉफिट जो था वो किसका था, ये रिप्लाई कीजिएगा चैट बॉक्स पर, कौन से ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट हाई है, देन उसी प्रॉफिट को आई विल एंटर ऑन द बैग। ठीक है, तो मुनीब इज सेइंग, फयाज, फहद, अशीर इज सेइंग कि मिस ऑब्जेक्ट नंबर वन का प्रॉफिट क्या है, हाई है। एग्री विद यू गाइस, यहां मैंने एंटर कर दिया ऑब्जेक्ट वन, तो देखिए जब आपने ऑब्जेक्ट वन यहाँ पे एंटर कर दिया तो उसका प्रॉफिट क्या था, 25 एग्री प्रॉफिट था, लेकिन वेट कितना था, 18, तो ये पूरा फिल हो गया। कैपेसिटी कितनी थी, कैपेसिटी जिसको हमने एम कहा 20 थी, थोड़ा सा बच गया, कितना बचा 2, ये पूरा फिल, और ये आपका क्या है रिमेनिंग, ये आपकी फ्री स्पेस। आर यू एग्री विद दिस, पिक्चर समझ में आ गई, 2% आपका फ्री है फयाज, 18% वेट आपने इंसर्ट कर दिया है, ओके। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं और हम ऑब्जेक्ट को हाफ कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया यहाँ पर, सेकेंड ऑब्जेक्ट हम कौन से इंसर्ट करें, ऑब्वियसली हमने यहाँ पर ट्रैक किया सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसका प्रॉफिट हाई था, ऑब्जेक्ट नंबर 2, बिकॉज ऑब्जेक्ट नंबर 2 हैज हाई प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन जब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट का वेट कितना लेना है, सिर्फ उसकी 2% लेना है, बिकॉज मेरे बैग में सिर्फ 2% जगह क्या है रिमेनिंग है, ठीक है ना। तो 2% जगह जो रिमेनिंग है, वेट यहाँ पे 15 है, तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2% का वेट कैरी करूंगी। तो देखिएगा इस चीज को लिखते कैसे, जो आपका प्रीवियस वाला प्रॉफिट था वो आपने एज इट इज कॉपी किया, प्लस 2% जगह बाकी है, टोटल वेट 15 है, उसका हाफ हो जाएगा और उसका प्रॉफिट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला लिखना आया, अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द प्रीवियस प्रॉफिट, देन द रिमेनिंग वेट डिवाइडेड बाय द एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट क्या था 15 ऑब्जेक्ट नंबर 2 का, उसके प्रॉफिट से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही बचे, आपका पास 3 भी आ सकता है, रिमेनिंग 4 भी बच सकता है, इत्तेफाक था कि यहाँ पे 2 रिमेनिंग आपकी स्पेस खाली थी, ठीक है। ऑल राइट, अब आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया 3, 5, 15, 24, और इन शॉर्ट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 28.2 आ जाएगा, आप करके भी इसे देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, ये जो आपका 28.2 आया है, इज दिस मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपसे रेज किया है कि इज दिस मैक्सिमम प्रॉफिट या दिस इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो स्टिल यू डोंट हैव आंसर, इसका आंसर कंफर्म नहीं है। अब ये जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, मे बी इससे अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाए, क्या पता इससे अच्छा अगला जब हम चेक करें, ग्रीडी अप्रोच लगाएं, मे बी इससे बेटर हमें मिल जाए ऑप्टिमल सॉल्यूशन और मैक्सिमम प्रॉफिट, हम नहीं कह सकते कि ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने क्या फिर से अजम्पशन ली, सॉरी फॉर दिस, मैंने यहाँ पे फिर से अजम्पशन ली, गौर कीजिएगा, सेकेंड अजम्पशन जो मैंने यहाँ पे ली, उस अजम्पशन में सेकेंड अजम्पशन, पहले मैंने अजम्पशन ली ग्रीडी में बनी ग्रीडी प्रॉफिट के हिसाब से, अब मैं ग्रीडी यहाँ बन रही हूँ वेट के हिसाब से, ग्रीडी अबाउट वेट,
डिफिकल्ट है ऑब्वियसली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर कोर्स. रीडी अबाउट वेट, राइट? ओके, सो दैट्स मीन अब आपने चेक करना है वेट को. अब हम वेट को चेक करें तो अगेन हमने यहाँ पे एक बॉक्स को डिजाइन किया बैक को. अब हमने देखा कि वेट सबसे कम किसका है, रियली अबाउट वेट. ऑब्वियसली 20 की कैपेसिटी है हमारे बैग में. पहले हमने प्रॉफिट देखा था तो मैक्सिमम प्रॉफिट को हमने एंटर किया. मैक्सिमम प्रॉफिट हमें ऑब्जेक्ट नंबर वन का नजर आया, ऑब्जेक्ट नंबर वन का. लेकिन यहाँ पे जब हम वेट की बात करते तो हम मिनिमम देखते कम से कम. ऑब्वियसली बैग में जिसका वेट कम है ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाए, कंपेयर टू आप 20 की अगर कैपेसिटी, आप 20 का एक ही आइटम रखें. आपकी कोशिश ये होगी कि आप बैग में 20 कैपेसिटी के तीन आइटम रख दें, जिनकी पांच 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 कैपेसिटी हो, चार आइटम रख दें. ठीक है, आपकी कोशिश ये नहीं होगी कि आप एक ही आइटम रख दें जो कि 20 कैपेसिटी का हो. आप चाहेंगे बैग में छोटे छोटे ज्यादा आइटम्स आ जाए. आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कम वेट देखा तो मुझे यहाँ पे एनालाइज हुआ कम वेट किसका है, ऑब्जेक्ट नंबर थ्री का. ऑब्जेक्ट नंबर थ्री कैरी 10 वेट, राइट? तो दैट्स व्हाई ये आपका बैग हाफ फुल हो गया 10 वेट से. द रिमेनिंग वेट इज 10 अगेन, ये आपकी फ्री स्पेस. आपने जो एंटर किया वो एंटर किया ऑब्जेक्ट नंबर थ्री, बिकॉज ऑब्जेक्ट नंबर थ्री है लो वेट. ऑब्जेक्ट नंबर थ्री का जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका प्रॉफिट 15 था, इसका वेट था 10, जबकि हमारे पास रिमेनिंग कैपेसिटी जो बची, उस रिमेनिंग कैपेसिटी में आई एम राइटिंग हियर 10. तो देखिए इसके बाद अब हम कौन सा इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना? अब हमें, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा था कि आप ऑब्जेक्ट नंबर टू इंसर्ट कर दो, लेकिन हाफ करके 2% लेना. अब यहाँ पे मैं, इससे कम वेट मेरे पास जो नजर आ रहा है वो है ऑब्जेक्ट नंबर टू का. पहले मैंने ऑब्जेक्ट नंबर थ्री एंटर कर दिया. अब मुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट नंबर थ्री ने 10 स्पेस अगर ले ली है, 10 स्पेस जो रिमेनिंग है उसे हम फिल कर देते हैं ऑब्जेक्ट नंबर टू से, बिकॉज ऑब्जेक्ट नंबर टू हैज द लो वेट 15. तो यानी कि मुझे 5 निकालना पड़ेगा, 10% लेना है. फ्रैक्शनल में अक्सर कहता है कि आप डिवाइड कर सकते हैं, आप उसमें से आधा पार्ट निकाल सकते हैं, हाफ पार्ट. ठीक है, 01 एफ से कहता है कि या तो आप कंप्लीट एंटर करें या तो आप एंटर ना करें, राइट? फ्रैक्शनल एफ से इज सेइंग कि यू कैन डिवाइड. ठीक है, आप तोड़ सकते हैं. आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग. यहाँ पे ऑब्जेक्ट नंबर टू को जब एंटर किया तो उसने 10% ले लिया. चीज को हम लिखते कैसे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था. और कीजिएगा, मैंने कैसे लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखा पहले का 15, क्योंकि पहले जब हमने ऑब्जेक्ट नंबर 3 एंटर किया था उसका प्रॉफिट क्या था, 15. तो पहले का 15 जैसे हमने यहाँ पे लिखा था प्रॉफिट, प्लस जो रिमेनिंग स्पेस बची वो 10 थी. आपने लिखा 10, जो ऑब्जेक्ट आपने एंटर किया वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 था, उसका जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो था उसका जो वेट था वो क्या था, 15. तो आपने नीचे 15 लिखा, यानी कि 15 में से आप 10 ले रहे हैं क्योंकि आपको 10 की जगह चाहिए. तो आपने डिवाइड कर दिया और आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया उसके प्रॉफिट से. प्रॉफिट क्या था आपका ऑब्जेक्ट नंबर टू का, 24. आई होप आपको ये सेटिंग करना आ गई कंप्लीट फॉर्मूले की. जब आप इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ ऐसे. इसको आप जब कैंसिल कर देंगे तो ये बनेगा आपके पास टोटल 31. ठीक है, 3 5 15, 3 8 24, 5 1 5, 5 2 10, 2 10 2 8 16, एंड 16 + 15, 31. तो देखें, आपने यहाँ पर जब ग्रीडी आप हुए प्रॉफिट के हिसाब से तो आपको 28.2 मैक्सिमम प्रॉफिट मिला, लेकिन जब आप ग्रीडी हुए वेट के हिसाब से तो आपको 31 प्रॉफिट मिला. अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन, इज दिस मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन. ये क्वेश्चन मैंने आपसे फिर रेस्ट किया, दिस इज ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो अगेन आई एम सेइंग नो. ठीक है, फ्रैक्शनल आपसे कहता है दोनों बेकार हैं. ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज टोटली यूजलेस. ना आपने प्रॉफिट के लिए ग्रीडी होना है, ना आपने वेट के लिए ग्रीडी होना है.
एक्चुअली आपने ग्रीडी होना है प्रॉफिट और वेट दोनों के लिए, ठीक है? इसके लिए प्रॉफिट और वेट दोनों के लिए ग्रीडी होना है आपने। तो तीसरी अजम्पशन जो है हमारी, वो एक्चुअल सोल्यूशन है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर आप ग्रीडी होते हैं प्रॉफिट से तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, अगर आप ग्रीडी होते हैं वेट के हिसाब से तब भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है, बट स्टिल दिस इज नॉट द फिजिबल सोल्यूशन, दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन, बिकॉज फ्रैक्शनल एब्सेक कहता है कि आपने ग्रीडी होना है प्रॉफिट और वेट दोनों के लिए। तो फ्रैक्शनल एब्सेक पता क्या कहता है? वो कहता है आप ना प्रॉफिट के लिए चेक करें ना वेट के लिए चेक करें, आप दोनों के लिए चेक करें। तो तीसरी अजम्पशन हमारा फाइनल सोल्यूशन है। थर्ड अजम्पशन वो कहता है दोनों के लिए चेक करें तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट अपॉन वेट। ये बात क्लियर है? क्या बन जाएगा फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन वेट। यस, मुश्किल लग रहा है या आसान है? आ जाए तीसरी अजम्पशन पर। अगर आपके हार्ट नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है? खुद से पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएगा। रॉकेट साइंस थोड़ी है, कंप्यूटर साइंस है। अजान हो रही है, अजान सुनते हैं फिर उसके बाद कंप्लीट करते हैं, ठीक है?
अगेन। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हमने जहां पर एंड किया था। ठीक है, तो हमने कहा कि हमने प्रॉफिट को देखा, तो हमें स्टिल एम्बिग्यूटी थी। प्रॉफिट पे हमें 28.2 मैक्सिमम प्रॉफिट आया। जब हमने वेट को देखा तो 31 प्रॉफिट आया। ठीक है, ये आपसे स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। ये हो गई आपसे इंटायर स्क्रीन शेयर जी। अब्दुल राफे हमजा स्क्रीन शेयरिंग पे आ गई। ऑल राइट ठीक है। तो इन शॉर्ट, इन द फ्रैक्शनल लैब सेट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो पी अपॉन डब्ल्यू। दैट मीन यू हैव टू सी द प्रॉफिट एज वेल एज वेट बोथ। अब प्रॉफिट और वेट को कैसे देखना है, तो बहुत ही सिंपल से इसका सोल्यूशन है। आपके पास जो भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है, अगर आप एग्जाम में पहला और दूसरा तरीकेकार नहीं करते, डायरेक्ट आप थर्ड वाला पैटर्न अप्लाई करते, दिस इज फाइन। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को एनालाइज किया कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट वन था, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट टू था, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट थ्री था। ऑब्जेक्ट वन में 25 था उसका प्रॉफिट, और जो वेट था वो था 18। यहाँ था 24, यहाँ था 15, यहाँ था आपके पास 15 और यहाँ था आपके पास 10। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ऊपर क्वेश्चन था, मैंने अगेन इसे आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए दोबारा से मैंने यहाँ पे कॉपी किया है। ओके, अब देखिए, अब आपने क्या करना है, पी अपॉन डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेना है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ पी अपॉन डब्ल्यू यू हैव टू टेक द डिसीजन कि किसका प्रॉफिट और वेट ज्यादा है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे पी अपॉन डब्ल्यू करूँगी, यहाँ पे पी अपॉन डब्ल्यू, यहाँ पे पी एन डब्ल्यू, तो 25/18, 24/15, 15/10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1.3, यहाँ आ जाएगा 1.6, यहाँ पे आ जाएगा 1.3। ठीक है ना, पहली अजम्पशन में आपने वेट को देखा, सॉरी प्रॉफिट को देखा, दूसरी अजम्पशन में आपने वेट को देखा। अब चेक करते हैं, पहली अजम्पशन में प्रॉफिट 28.2 आया था, दूसरे में 31 आया था, 28.2 तीसरे में 31। अब चेक करते हैं, जब हमने पी अपॉन डब्ल्यू को लिया तो हमारे पास कितना प्रॉफिट आया। ठीक है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूंगी इसका सोल्यूशन। अब ये आपके पास बैग है, बैग में आप चेक करें किसको इंसर्ट करें। हाईएस्ट देखें, पी अपॉन डब्ल्यू किसका आ रहा है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पी अपॉन डब्ल्यू जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट नंबर टू का आ रहा है। क्या मैंने ठीक कहा, ऑब्जेक्ट नंबर टू में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 24, जो कि हाईएस्ट है। तो आपने कहा कैपेसिटी बैग की 20 है, तो यहाँ पे आपने 15 तक फिल कर दिया ऑब्जेक्ट नंबर टू, और ऑब्जेक्ट नंबर टू का जो वेट था वो था 15, ये फिल हो गया। रिमेनिंग वेट जो आपके पास यहाँ बचा वो 5 बचा, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी स्टिल 20 एंड द रिमेनिंग वेट इज 5, राइट। ऑल राइट, आप ये जो 5 वेट है उसको आप इंसर्ट कैसे करेंगे, गौर कीजिएगा। ये तो आपका जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 था उसका आपने वेट डाल दिया 15, उसका प्रॉफिट कितना था, 24। अब देखिए, ऑब्जेक्ट नंबर 2 डालने के बाद सॉल्यूशन का ये ए स्टेप, अब बी स्टेप पे आपने क्या करना है, जो आपका रिमेनिंग वेट बचा है वो 5 है। तो उसके लिए आपने कहा कि जब मैंने 1.6 वाला ऑब्जेक्ट 2 डाल दिया है, तो उसके बाद हाईएस्ट प्रॉफिट अपॉन डब्ल्यू पी अपॉन डब्ल्यू जो आ रहे हैं 1.5 है, जो कि ऑब्जेक्ट नंबर 3 का है। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्ट नंबर 3 को देखेंगे तो उसका वेट कितना है, 10, लेकिन आपको तो इसमें से 5% चाहिए, राइट। तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर आपने लिखा, क्या लिखा, पिछला वाला प्रॉफिट 24 प्लस, आपको तो 5% चाहिए उसके अंदर, क्योंकि 15% आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। अब आप जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 एंटर करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 3 उसका जो वेट है टोटल, उसका वेट है 10, और कीजिएगा 10, और उसका प्रॉफिट कितना है, 15, आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया।
अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 प्लस समथिंग लाइक 5 2 10, 5 3 15, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपस में तो ये कुछ बन जाएगा 7.5। तो 24 प्लस 7.5 इज 31.5। ठीक है, अब और कीजिए कि देखें, इसने भी आपको कम दिया प्रॉफिट, वेट ने भी आपको कम दिया, थोड़ा सा ज्यादा आपको प्रॉफिट दिया किसने, थर्ड अजम्पशन में, यानी कि आपने जो फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी वो कौन सी फॉलो करनी है, पी अपॉन डब्ल्यू, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन, लीनियर टाइम मेरी। बताइए ये बात क्लियर है, आ गया सोल्यूशन फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट का। राफे, हमजा, फयाज, आसान लग रहा है? ठीक है, अच्छा जी, अब इसका एल्गोरिथम देखते हैं और क्लास को ऑफ करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका एल्गोरिथम है ये, कहाँ है ये एल्गोरिथम है, ठीक है, ये एल्गोरिथम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, लूप को चलाना है 1 to n टाइम, और आपने क्या चेक करना है, आपने प्रॉफिट अपॉन वेट देखना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जिसका वेट ज्यादा है वो पहले लिख देना है, जिसका वेट कम हो, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन कर दिया, मैं चाहती तो इसको सॉर्ट कर लेती कि भाई पहले 1.6 आएगा, फिर 1.5, देन 1.3, एल्गोरिथम यही कहता है। फिर आपने लूप चलाना है, एम आपकी कैपेसिटी है जो ज्यादा हो जीरो से, वेट क्या हो कम हो किससे, कैपेसिटी ऑब्वियसली, वेट क्या हो कम हो किससे, कैपेसिटी से, या तो इक्वल हो। आपने माइनस करना है, ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया था कि भाई यहाँ पे 15 वेट डाल दिया, बाकी कितना बचा, 5%, तो यहाँ पे माइनस करना है, उसके बाद प्लस करना है प्रीवियस प्रॉफिट में, और ये फॉर्मूला लगाना है, मैंने यही फॉर्मूला लगाया ना, पी प्लस प्रॉफिट में, पी प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया 15, 5 अपॉन 10, 5 क्या थी कैपेसिटी थी जो बच गई थी रिमेनिंग ये वाली, और डब्ल्यू क्या था वेट था उस ऑब्जेक्ट का, वेट क्या था उस ऑब्जेक्ट का 10। ठीक है ना, तो दिस इज द एल्गोरिथम आई यूज फॉर दिस फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, जिसमें मैंने आपको 3 अजम्पशन कराई हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में या असाइनमेंट में थर्ड अजम्पशन के थ्रू अपना आंसर निकालते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, जबकि दोनों क्या थी, अजम्पशन थी, जिसमें हमने प्रॉफिट को देखा, वेट को देखा, लेकिन दोनों ने इतना अच्छा आंसर, इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया जितना अच्छा प्रॉफिट तीसरे अजम्पशन ने दिया, बिकॉज तीसरे अजम्पशन ने पी अपॉन डब्ल्यू लिया था। अब इस प्रैक्टिस कीजिएगा आप इस एग्जाम्पल को, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह, फिर हम अगली क्लास में 01 नैपसैक को स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अब एग्जाम में क्या क्या आएगा मैं आपको रात तक बताती हूँ कि आपके अर्ली एग्जाम में क्या क्या आएगा। ठीक है, एंड करें क्लास को यहाँ पर। अल्लाह हाफिज।